अग्राजी मां कमलेश्वरी माता को और रतनपुर की मां महामाया को प्रणाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में बैठे हुए अपने साथियों से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए अपन अतिथि नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के गांव और गली को नापा है, वैसे विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते छत्तीसगढ़ के भी हर कस्बे और शहर को नापने का काम किया है। आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के रूप में भले ही अलग हो, लेकिन शरीर दो है, जान एक है, आत्मा एक है, प्राण एक है। और जब कभी मैं रायपुर बिलासपुर जाता हूं तो नागपुर होते हुए ट्रेन से अगर चले जाए तो नागपुर में आके लगता है कि दूसरे प्रदेश में आए हैं, लेकिन रायपुर बिलासपुर आता है, दुर्ग राजनांदगांव आता है, ऐसा लगता है अपने मध्य प्रदेश में ही आ गए, अपने छत्तीसगढ़ में ही आ गए। हम छोटे भाई बड़े भाई नहीं, एक ही भाई है। दोनों की विकास यात्रा के कई अध्याय हमने एक साथ लिखे हैं, लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी। सचमुच में गर्व होता है हम सबको, कैसा राष्ट्रीय नेतृत्व वर्षों बाद हमें मिला है, जिनका देश का मान सम्मान और शान केवल हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हमारा नेता, दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व करने वाले नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।